लेकिन वो गाना तुम्हें याद है। क्यों याद है? क्योंकि तुमने गाना इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है कि वो तुम्हारे दिमाग में स्टिक कर गया है, तुम्हें वो गाना रिवाइज नहीं करना पड़ता। उसको हम बोलते हैं SNWM। दिस इज अ मेथड जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर। आप अपने दिमाग को काम करने दो कि वो कितनी चीजें रिकॉल कर पा रहा है, और जो चीज वो रिकॉल नहीं कर पा रहा वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर नहीं है। अगर आपका 80% पेपर भी पढ़ा हुआ आ गया तो इस 80% पेपर में भी आप पास हो सकते हो। हेलो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम जो सीए स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को थ्योरी से होती है थोड़ी घबराहट, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से हमको बेशुमार प्यार। प्रैक्टिकल करने का बहुत मन करता है, बार बार प्रैक्टिकल करते हैं, और थ्योरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम थ्योरी रिटेन नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम याद तो कर रहे हैं, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन दिमाग में हमारे कुछ नहीं जा रहा है। तो सर, इस सेशन के अंदर हम लोग एक साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जो अगर आप अपने पास अप्लाई करते हो तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी उतने ही अच्छे नंबर आएंगे जितने अच्छे नंबर आप प्रैक्टिकल में स्कोर कर पाते हो। और आपका थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का भी मन करेगा। मन क्यों करेगा? क्योंकि जब जो पढ़ा हुआ है वो याद रहेगा तो वो सब्जेक्ट को पढ़ने का भी मन करेगा। मन क्यों नहीं करता? क्योंकि पढ़ते हैं और याद नहीं रहता, तो उसको उठाने का ही मन नहीं करता, यार मजा ही नहीं आता। लेकिन जब रिटेन रहना शुरू हो जाएगा तो अपने आप सब्जेक्ट भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मैंने इस टेक्निक को फॉलो किया था अपने सीए फाइनल एग्जाम में। हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था उस टाइम पे, इसका नाम का इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। अब ये हट गया है, लेकिन ये प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, और इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनका ग्रुप रुकता था। तो फॉर्चुनेटली उस अटेम्प्ट में आई केम अक्रॉस विद दिस स्ट्रेटजी, और मैंने ये अपने एग्जाम्स में इम्प्लीमेंट करी। मैंने इसका सब्जेक्ट कुल 2 महीने पढ़ा था, एंड आई स्कोर्ड 67 मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट। और सीए फाइनल जैसे पेपर में जहाँ पर लोग पास नहीं हो पा रहे हैं, और वहाँ पे अगर 67 मार्क्स आ रहे हैं थ्योरी में, तो आई थिंक इट इज़ अ अचीवमेंट। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो जो आपके पास लॉ का पेपर आता है फाउंडेशन पे लेवल पे, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, ऑडिट का पेपर आता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। राइट, हम लोग को लगता है कि यार हम पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता, हमारी जो रिटेंशन पावर है वो कम है, हमें याद नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी रिटेंशन पावर बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर 10 साल पुराना गाना मैं गाऊं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तुम गाना भी गा रहे हो, सिंक में गा रहे हो, तुम्हें म्यूजिक पता है कि यहां पर म्यूजिक आएगा, यहां पर पॉज लगाना है, और उसके बाद ये लिरिक्स आएंगे, और ये गाना तुम्हारे पैदा होने से पहले का, इवन मेरे पैदा होने से भी पहले का, लेकिन वो गाना तुम्हें याद है। क्यों याद है? क्योंकि तुमने गाना इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है कि वो तुम्हारे दिमाग में स्टिक कर गया है, तुम्हें वो गाना रिवाइज नहीं करना पड़ता, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर क्या हो चुका है, फिट हो चुका है। तो अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट को भी इतनी बार रीड कर लो कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिट हो जाए, तो तुमको प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगी। एटलीस्ट इतना फिट हो जाए कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, 6 महीने बाद मेरा पेपर है, 3 महीने बाद मेरा पेपर है, उतने टाइम के लिए कम से कम सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाए कि कल मेरा एग्जाम है, आज मैं किताब उठाऊं तो मुझे सारी चीजें रिकॉल हो जाए। राइट, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो साइंटिफिक मेथड है उसको हम बोलते हैं SNWM। दिस इज अ मेथड जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर। सर, इस मेथड का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने सुबह 2 घंटे लगा के 4 पेज 5 पेज 6 पेज या 1 चैप्टर जो भी आपने 2 घंटे लगा के पढ़ा डेडिकेशन से, वो आपने पूरा रट्टा मार लिया, आपको याद हो गया। आपको क्या करना है सर? आपको सेम डे, इसका मतलब क्या है सेम डे, आपको शाम को वही चीज वापस से क्या करनी है सर, रिकॉल करनी है। अगर सुबह मैंने 2 घंटे लगाए हैं रिविजन में, तो सेम चीज को शाम को जब मैं रिवाइज करूंगा, इट विल टेक हार्डली 30 to 45 मिनट्स। मैंने 45 मिनट और इन्वेस्ट करके जो सुबह 2 घंटे लगाए थे वो बचा लिए। अगर मैं सेम डे पे वो रिवीजन नहीं करूंगा तो आपकी मेमोरी में से 40 to 50% कंटेंट इरेज हो चुका है।
नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम आएगा। तो सुबह जो दो घंटे पढ़ा है, इफ यू वांट टू सेव दैट टू आवर्स, यू हैव टू फर्दर इन्वेस्ट 30 to 45 minutes डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। इसके बाद आपको वही टॉपिक कल वापस से रिवाइज करना है। तो कल जब मैं सुबह थ्योरी पढ़ने बैठूंगा तो पहले मैं पिछले दिन का रिवाइज करूंगा। हम लोग को आदत होती है, अरे बढ़ो आगे, कल ही तो पढ़ा था, आता है तुम्हें, नहीं आता। यू हैव टू रिवाइज। आप जब रिवाइज करोगे नेक्स्ट डे तो वो आपके दिमाग में और ज्यादा स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे सुबह फिर से आपको 45-50 मिनट लगेगा, 45-50 मिनट्स इन्वेस्ट होगा, लेकिन जो आपने कल दो घंटे पढ़े हैं वो अब आपके स्टोर हो चुके हैं। अब एक हफ्ते तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको आफ्टर सेवन डेज उसको एक बार वापस से क्या करना है, देखना है। अगेन आपको 30-45 मिनट्स फिर से जाएंगे, बट वो जो भी पढ़ा है आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। एंड लास्टली आपको क्या करना है सर, एक महीने के बाद वापस वो चीज को रिकॉल करनी है। अगर आप इतना एफर्ट मार लेते हो तो आपके पास वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक दिमाग में स्टोर हो गया। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे, आपको सब कुछ याद आएगा। अब आपको उसको उठाने की जरूरत नहीं है। भले मेरा पेपर 3 महीने बाद है 4 महीने बाद है, अगर मैंने 4 बार उस टॉपिक को पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो गया है। आज भले मुझे एकदम रेंडमली कुछ याद ना आए, लेकिन जब मैं दोबारा एग्जाम से पहले किताब उठाऊंगा मुझे हर एक चीज रिकॉल हो जाए। ठीक है, अब आपको लगेगा सर सेम डे वापस से किताब खोलना, फिर नेक्स्ट डे किताब खोलना, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क वापस से पन्ने रीड करना। तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि आपके पास स्मार्टफोन है और उसके अंदर एक बहुत बढ़िया फीचर है, ऑडियो रिकॉर्डर। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, बोल बोल के पढ़ाता हूं, आप जब रिवीजन करो तो रिवीजन बोल बोल के करो और उस रिवीजन को आप रिकॉर्ड कर लो। तो शाम को अगर आप वॉक पे जा रहे हो, साइकिल चलाने जा रहे हो या इधर उधर टहल रहे हो, आपने ईयरफोन लगाए और वही जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आपने सुन ली, और आप लोग के पास तो बढ़िया शक्तियां हैं, यू कैन डू 1.5x, यू कैन डू 2x, आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी आवाज 2x में कैसी लगती है। ठीक है, तो 2x में आप उसको रिकॉल कर लो। तो जो भी चीज आपने पढ़ी थी वो चीज आपकी 15 से 20 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। दिस इज वन टेक्निक। दूसरा टेक्निक, कुछ बच्चों को लिख लिख के रिवाइज करने की आदत है, आप स्क्रिबलिंग करो। आपने जो भी पढ़ा था आप उसके टॉपिक्स लिखते जाओ, जो भी दिमाग में आ रहा है लिखते जाओ, राइट? इससे भी क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। कभी भी रिवीजन किताब से मत करना, आप किताब बंद करके रिवाइज करो। आप अपने दिमाग को काम करने दो कि वो कितनी चीजें रिकॉल कर पा रहा है, और जो चीज वो रिकॉल नहीं कर पा रहा वो तुम्हारे दिमाग में स्टोर नहीं, किताब खोली वो चीज पढ़ ली, एंड देन अगेन स्टार्ट डूइंग द स्क्रिबलिंग। आप इसको हिंग्लिश में लिख सकते हो, अपने पास अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ हिंग्लिश में, जो आपके वोकैब है, मेन जो वोकैब होते हैं, दैट वोकैब शुड बी इन इंग्लिश, और जो आपके सपोर्टिंग लाइंस होती हैं उसे आप कैसे लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो। सर देखा गया है जितने भी लोग टॉप करते हैं, रैंक लेकर आते हैं, वो 5-4 बार चीजों को रिवाइज करते हैं। इतना बड़ा सब्जेक्ट 4-5 बार कैसे रिवाइज हो पा रहा है, वो ऐसे रिवाइज हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। मतलब जब सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन करते हैं वो, तो वो अपने नोट्स को रेफर करते हैं रेदर देन बुक, क्योंकि बुक में कंटेंट काफी ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं जब आप पढ़ रहे होते हो और कोई लाइन आप छोड़ते हो तो आपको लगता है यार कि शायद इससे आ गया तो क्या होगा, वो लाइन उतनी शायद इंपॉर्टेंट नहीं भी होगी, लेकिन जब आप रीडिंग कर रहे होगे तो आप अनइंटेंशनली भी उस लाइन को रीड करोगे जिसमें आपका टाइम जाएगा। लेकिन अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे होंगे, इंग्लिश में नोट्स बना रखे होंगे, आपको प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए दैट शुड बी एंटायर इन इंग्लिश। इंग्लिश में बनाओ, इतने पढ़े लिखे बच्चे आपको कि आप एग्जाम में सेंटेंस फ्रेम कर लो, राइट? सो दिस इज द राइट अप्रोच। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर या किसी और चीज को लेकर, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस। सर मतलब कि जैसे मैं ना प्रेफर करता हूँ
कि मैं बुक में ही नोट्स बनाता हूँ तो वो गलत है? गलत नहीं है, देखो सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स अलग से बना लोगे तो लास्ट डेट में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बुक में ही स्क्रिबलिंग कर रहे हो, बुक में ही नोट बना रहे हो और आप इस चीज को मेक श्योर करते हो कि सेकंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में आप बाकी कंटेंट नहीं पढ़ रहे, आप कह रहे हो मैंने बुक के साइड पे ही शॉर्ट में लिख दिया, तो अगर आप बाद में सिर्फ वही चीज पढ़ रहे हो देन इट इज गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पर्पस ये है कि जब हम सेकंड रिवीजन पे जाएं तो हमें बुक की एक एक लाइन दोबारा से रीड ना करनी पड़े, उस पैराग्राफ का या उस पेज का एक जिस्ट हमारे पास होना चाहिए। तो अगर आप वैसा कर रहे हो देन इट इज गुड। सर जैसे मतलब थ्योरी से रिलेटेड नहीं है बट जनरल डाउट है, एग्जाम से ना दो दिन पहले या एक दिन पहले अगर मैं नॉर्मली पढ़ भी रही हूँ रेगुलर, मैं बहुत स्ट्रेस आउट होने लग जाती हूँ जिसकी वजह से एग्जाम से पहले परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है, मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो इसको कैसे हेल्प आउट करें? देखो एक ये चीज़ बड़ी कॉमन है, सबके साथ ये होता है, हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है राइट, और हमें ऐसा नहीं होगा कि आज की डेट पर सारी चीज़ें याद आ जाए। हमें डर ये लगता है कल एग्जाम में पता नहीं क्या आएगा, हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, जो हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली चीज़, अगर आपने पढ़ाई करी है तो उस पढ़ाई पे ट्रस्ट करो, जो आपने पढ़ा है एग्जाम में उसी से आएगा राइट। सेकेंड चीज़ कि आपको पास होने के लिए 40% चाहिए और एग्रीगेट 50% चाहिए। कौन कह रहा है आपको 100 में 100 लेकर आने, बात को समझो। अगर आपका 80% पेपर भी पढ़ा हुआ आ गया तो इस 80% पेपर में भी आप पास हो सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% पेपर आपको आता होगा ही होगा, अगर आता है दैट विल बी अ बोनस। एक माइंड मेकअप आपको करके चलना पड़ेगा कि सीए का एग्जाम है, 15-20% पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे 80% पेपर ही आता होगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम निकल कर नहीं आएगी। हम ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ओवर अपने आप को डरा लेते हैं कि पता नहीं क्या आ जाएगा। अभी जब आप देखते हो तो आपके पास 10 चैप्टर है, हर चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट है, तो मतलब अभी आप 100 कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में केवल 6 क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में केवल 6 कॉन्सेप्ट आएंगे। उस 3 घंटे में आपका दिमाग केवल उन 6 कॉन्सेप्ट पे फोकस करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा राइट। ये सबके साथ नॉर्मल है, एंजाइटी होगी, डर लगेगा, गला सबका सूखेगा, लेकिन 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 ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। आपने जितना पढ़ा है सॉलिड पढ़ो, 80% कंटेंट भी अगर आपको आता है तो दैट विल बी इनफ राइट। इस 80% का अगर आपने 70% भी स्कोर कर लिया तो दैट इज 56, कैसे पास नहीं होंगे? 2 क्वेश्चन तो पूरे आते होंगे, उसमें तो अच्छे नंबर आएंगे, 4 क्वेश्चन आधे अधूरे करके आओगे उसमें भी तो नंबर मिलेंगे, इजिली आप पास हो सकते हो, बस आपको स्ट्रेस आउट राइट वो 3 घंटे पूरी फाइट करनी है। वो शाहरुख खान वाला जो डायलॉग है, 70 मिनट है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास 180 मिनट है, वो 180 मिनट आपको पूरा फाइट मारना है, पेपर आता हो चाहे ना आता हो, 6 के 6 क्वेश्चन करके आने, छोड़ना कुछ नहीं, ठीक है जी? ओके भाई, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।